आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने प्रजा वेदिका बिल्डिंग को तोड़ने का आदेश दिया है। मंगलवार से बिल्डिंग तोड़ने का काम शुरू हो जाएगा। फिलहाल प्रजा वेदिका में ही चंद्रबाबू नायडू रह रहे हैं। बीते दिनों चंद्रबाबू नायडू ने जगनमोहन रेड्डी की को चिट्ठी लिखकर प्रजा वेदिका को नेता प्रतिपक्ष का सरकारी आवास घोषित करने की मांग की। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की सरकार ने शनिवार को एन चंद्रबाबू नायडू के अमरावती स्थित आवास प्रजा वेदिका को अपने कब्जे में ले लिया। तेलुगु देशम पार्टी ने इसे बदले की कार्रवाई करार दिया। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री के प्रति कोई सद्भावना नहीं दिखाई, क्योंकि उनके सामानों को अमरावती के उंदालवली घर से बाहर फेंक दिया गया। चंद्रबाबू नायडू तब से कृष्ण नदी के किनारे उंदावली स्थित इस आवास में रह रहे थे, जब से आंध्र प्रदेश ने अपना प्रशासन हैदराबाद से अमरावती शिफ्ट किया। हैदराबाद अब तेलंगाना की राजधानी बन गया है। प्रजा वेदिका का निर्माण सरकार ने आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण के जरिए तत्कालीन मुख्यमंत्री आवास के रूप में किया था। 5 करोड़ रुपए में बने इस आवास का इस्तेमाल नायडू आधिकारिक कामों के साथ ही पार्टी की बैठकों के लिए भी करते थे। नायडू ने इस महीने के शुरू में मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी को पत्र लिखकर इस ढांचे का उपयोग बैठकों के लिए करने देने की इजाजत मांगी थी। उन्होंने सरकार से आग्रह किया था कि वह इसे नेता प्रतिपक्ष का आवास घोषित कर दें, लेकिन सरकार ने प्रजा वेदिका को कब्जे में लेने का शुक्रवार निर्णय लिया और घोषणा की कि कलेक्टरों का सम्मेलन वहां होगा। पहले यह सम्मेलन राज्य सचिवालय में होना तय हुआ था। नायडू इस समय परिवार के सदस्यों के साथ विदेश में छुट्टियां मना रहे हैं। टीडीपी नेता और विधान परिषद के सदस्य अशोक बाबू ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों ने नायडू के निजी सामानों को बाहर फेंक दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि परिसर को कब्जे में लेने के सरकार के निर्णय के बारे में पार्टी को बताया तक नहीं गया। नगरपालिका मंत्री बोत्सा सत्यनारायण